हेलो गईज़ नमस्ते कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हैं और आप सभी को गईज हैप्पी दशहरा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं फेस्टिवल है गाइज एंजॉय कीजिएगा और जो है पढ़ाई का भी जो है इक्वली ख्याल रखिएगा पर सो दैट इज़ माई मैसेज टू यू ऑन दिस दशहरा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सो वही जी मेरे क्लास पर शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए बिकॉज uh, एक सेकेंड नेट आज थोड़ा सही नहीं चल रहा है कोई नहीं ठीक है गुड मॉर्निंग एवरीबडी तो बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कल हमने छोड़ दिया था बेसिकली जो कल हमारा रह गया था हेल्थ और एजुकेशन पे मैं आपको अच्छा खासा जो है ज्ञान देने वाला हूँ जो कि आपकी एनसीआर से सोर्सड है जो कि एनसीआर में मैंशनड है ठीक है हेल्थ और एजुकेशन पर वैसे मैं आपको जो है पूरे छत्तीस घंटे का भाषण भी दे सकता हूँ बच्चों और उस भाषण की मेरे हिसाब से जरूरत भी है और वो आप वो आपके बहुत काम भी आ सकता है बट आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू दैट ठीक है तो हेल्थ और एजुकेशन की बात करने वाले हैं आज जो कि दिस विल बी दू नो द टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो कल गई हमने बात करी बच्चों एक ऐसे रिसोर्स के बारे में जो हम सब हम सबके बीच में है हम भी उसी रिसोर्स का पार्ट हैं लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि हम यू नो उस रिसोर्स के अंदर आते हैं या उस रिसोर्स की परिभाषा जो है हमें सही से नहीं पताती तो कल हमने उस पर चर्चा करी काफी तो हमने कल काफी आई होप आपके डाउट्स के जो है क्लियर हुए होंगे तो वो रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स एच ठीक है जैसे एच डिपार्टमेंट होता है बच्चों कई कंपनियों में ओके कई बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू इंटरव्यू देने जाते हैं तो एच आर डिपार्टमेंट से आपका सामना होता है सबसे पहले तो एच डिपार्टमेंट जो है आपका इंटरव्यू लेता है और वो देखता है कि भाई इस व्यक्ति को जो है ये काम दिया जाए या नहीं ना ना दिया जाए ये कितना यू uh, नो कितना काबिल है ये कितना स्किल्ड है ये कितना एजुकेटेड है ये जो ह्यूमन रिसोर्स तो बच्चों ये एच डी आर डिपार्टमेंट होता है एच आर डी डिपार्टमेंट भी कहते हैं इसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट तो बच्चों इस ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर करने के लिए हमने कल चर्चा करी थी कि कैसे जो है हम इसे बेहतर कर सकते हैं और शो उसमें एक हेल्थ और एजुकेशन का जो है बहुत बड़ा रोल है स्किल डेवलपमेंट वगैरह वो एजुकेशन के अंदर ही आ जाता है सारा का सारा पार्ट वोकेशनल ट्रेनिंग वेनिंग कुछ भी सिखाना किसी को मतलब एजुकेशन ही है यार आपका भी एजुकेशन बढ़ ही रहा है यहाँ पे ठीक है तो आप भी बच्चों आपका भी जो ह्यूमन रिसोर्स है आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ा रहे हो ठीक है आपको चार बातें पता चल रही जो और किसी को नहीं पता तो ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू जो है उसमें एनहैंसमेंट हो रहा है इस क्लास के अंदर भी ठीक है यहीं पे अगर मैं आपको और बिल्कुल रॉ लेवल पे लेके चला जाऊं मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज सिखाने चाहूँ कि बच्चों देखो, देखो मोबाइल कैसे सही करते हैं गाड़ी में कुछ खराबी हो जाए तो वो कैसे सही करते हैं तो वो भी बच्चों एक स्किल जो है मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आप अपना जीवन जो है व्यापन कर सकते हैं Uh, कोई भी व्यक्ति उससे कुछ सीख कर जो है अपना काम धंधा को चालू कर सकता है तो वो भी एक स्किल जो है एनहेंसमेंट की बात होती है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं क्लास को तो बच्चों ये चैप्टर हमने खत्म कर दिया था ऑलरेडी फर्स्ट डे ही ये हमने कल आधा पढ़ा था कह लीजिए पार्ट वन हमने कल पढ़ा था और आज हम इसको भी खत्म कर देंगे तो चार ही चैप्टर है एनसीआरटी में ज्यादा है नहीं लेकिन बच्चों चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली ह्यूमन रिसोर्स पॉवर्टी का फिर आपको बताया फूड सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो चैप्टर्स एन में कम है नाइन्थ क्लास में बट इंपॉर्टेंट बहुत है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं कोई भी प्रॉब्लम कल तक की क्लास में तो ह्यूमन रिसोर्स का मैंने आपको पूरा बताया वगैरह और इधर उधर की बातें मैंने आपको कई सारी बताई ठीक है कि ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं वुमेन का जो है रोल उसमें ता नहीं दिख रहा है हमको जिससे ऑब्वियसली बच्चों को नुकसान ही है यार हम भले घर में कितने शेयर बन ले के जो है हम हमारी औरतों को जो है दबा कर रखते हैं या यू नो उनको सब्जुकेट करते हैं बट इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं हो सकती है और इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही ये एक यू नो ट्रैजिक बात है एक अफसोस की बात है शो कोशिश करेंगे हम इस चीज़ से इस विचारधारा से जो है हम आगे बढ़ें ठीक है और बच्चों ये कोई सरकार की योजना या कोई ये गवर्नमेंट की कोई स्कीम या गवर्नमेंट की कोई पहल या अमिताभ बच्चन आगे टीवी पे कह दे या मैं यहाँ पे आपको कुछ कह दूँ यहाँ पर तो उससे नहीं बदलेगा इससे हमको एक बिहेवियरल चेंज मानसिक तौर से लोगों की जो विचारधारा है उसको बदलना पड़ेगा कभी ये जो है चेंज आ सकता है कि औरत और आदमी जो है बराबर जो है आपके लेवल उनको मिले बराबर सम्मान और बराबर अपॉर्चुनिटीज जो है उनको मिले हर रियाल में चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिक हो कोई भी रियाल में सो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स इन अ राइट वे ठीक है लगता है थोड़ी गड़बड़ हो गई है गाइज यहाँ पे ठीक है तो गाइज गड़बड़ ये हो गई है कि पी जो है वो उसमें ऐड ही नहीं हुई है जो बाकी की स्लाइड्स थी तो आप तो ये आपको रुकना पड़ेगा फिर थोड़ी देर गुड मॉर्निंग हरजिंदर अनिकेत चौहान राहुल पटेल मोहम्मद तो बच्चों रुकिए आप थोड़ी देर मैं ऐड करता हूँ उसको उसमें थोड़ा समय लग सकता है यार ये कैसे हो गया आज एक सेकंड गाइस वेट कीजिए भागी मत इधर उधर बाकी जब तक आप शेयर कर सकते हो क्लास को डाउट लिख सकते हो कोई क्लास में अरे ये क्या हो गया? चॉइस प्लीज वेट जस्ट गिव मी टू मिनट्स आई डू इट रोइ एक मिनट आप रुकिए शो रोकी गई एक सेकेंड जब तक कि काम हो जाएगा Oh ho oh. बस हो गया स्टार्ट बस एक दस सेकेंड और जब तक एक बार क्लास शेयर कर लीजिए जय हिंद अंग निकेश दो हजार चौबीस के लिए बैच ले लू या बाद में लू हेल्प मी जरूर तुरंत ले लो दो हजार चौबीस के लिए टाइम नहीं है आपके पास ज्यादा ठीक है तो ओपनिंग अप द विंडो नाउ यू कैन सी आई होप ठीक है तो वो स्टार्ट करते हैं ठीक है तो मैं आपको बताता ह्यूमन रिसोर्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स एंड द टू बेसिक कम्पोनेट्स रिगार्डिंग ऑगमेंटिंग द ह्यूमन रिसोर्स केपेबिलिटी आर द एजुकेशन एंड हेल्थ तो हम उस पर चर्चा करने करेंगे तो बता रहा था आज हम इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे अपन सो चिंता वाली कोई बात नहीं है आज ये चैप्टर भी ख़त्म ये भी हो गया है तो मेरे हिसाब से दस अक्टूबर से पहले हम इस एन सी आर टी को पूरी जो है खत्म कर देंगे ठीक है तो ये हम कल कर डिस्कस कर ही चुके थे तो यही गई स्लाइड मिस हो गई थी सारी गई सारी फिर तो बीच में सीधा जो है वो नीचे वाली स्लाइड आ गई तो ये हम कल कर ही चुके गए, यहां थे कहीं यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए प्राइमरी सेक्टर टर्सनरी सेक्टर क्या होता है ओके okay. अगर आप कल की क्लास में थे और तो भी आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन ऑब्वियसली आस्क मी ओके तो बच्चो एजुकेट और स्किल कर यू नो ह्यूमन रिसोर्स को जो है अगर आप डेवलप करोगे तो ये आपको मिलेगा ऐसी पॉपुलेशन मिलेगी आपको और ह्यूमन रिसोर्स को आप अगर नहीं डेवलप करोगे तो आपको जो है इस तरह की पॉपुलेशन मिलेगी क्या इस तरह की इकोनॉमी आपकी मिलेगी तो आप देख लीजिए आपको ये चाहिए या ये चाहिए ऑब्वियसली हम सबको यही चाहिए ये नहीं चाहिए बिल्कुल भी ठीक है तो ये सब हम कल ने हमने डिस्पैरिटीज की बात करी मैन वूमेन वाली ठीक है सारी की सारी बातें सब हो गई थी कल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर ठीक है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन तो बच्चों ह्यूमन रिसोर्स तो हमारे पास ऑलरेडी है इस पर तो हम कोई डाउट है नहीं एक सौ तो तीस बिलियन हो रहे हैं हम कल ही मैं देख रहा था जल्द ही मतलब दो एक साल में हम जो है चाइना को पीछे छोड़ देंगे नंबर पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएंगे दुनिया के तो एक अच्छी बात है ये क्योंकि इससे हमारे को मिलता है डेमोग्राफिक डिविडेंट जो कल हमने बात करी थी कि बच्चों डेमोग्राफिक डिविडेंट है इसका सही से इस्तेमाल ले लो वरना जो है चिड़िया चुग गई खेत फिर क्या पछताना तो बच्चों इस डेमोग्राफिक डिविडेंट को अगर अच्छे से इस्तेमाल लेना है तो हमारी पॉपुलेशन को हमें करना पड़ेगा स्किल देनी पड़ेगी उनको नो हुनर डेवलप करना पड़ेगा उनमें एजुकेशन देना पड़ एजुकेशन का देना पड़ेगा और बचो एक हेल्थ भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो मिस कर देते हैं लोग ठीक है बोले ही गई से आप कितने ही होशियार हो या कितने ही बड़े आप आइंस्टाइन हो या कितने ही बड़े आप जो है बिजनेसमैन हो या कितने ही बड़े आप एजुकेटर हो या कुछ भी हो आप ठीक है लेकिन बचो अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं है यार तो आप क्या करोगे जैसे मुझे भी कोरोना हो गया था बहुत ही खतरनाक कोरोना हुआ था ऑलमोस्ट मतलब दूसरी जिंदगी बांधो में तो मतलब बहुत ही वो उस टाइम पे हुआ था पीक में मई के समय में जब बिल्कुल सेकंड वेव का जो पीक था तो वो जो सारी मेरी काबिलियत सारा मेरा पैसा सारा घर बार सब जो है कुछ काम नहीं आया और बिस्तर पे जो है मैं, मैं बिल्कुल फिक्स हो गया कोई क्लास वगैरह कुछ नहीं ले पाया तो वो जो सबसे पहले हेल्थ है इसलिए कहते हैं मतलब सबसे पहले हेल्थ का ध्यान जी वरना आप कितने भी इंटेलिजेंट हो कितना भी आपने जो है स्किल डेवलपमेंट अपना कर रखा है कितने भी बड़े आप कुछ भी हो ठीक है राकेश झुंझुन जिसको आप जानते हैं सबसे बड़े बचो अभी वो सबसे बड़े वो उन यू नो शेयर मार्केट में जो है उनका नाम था वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर ट्रेडर्स थे तो उन्होंने बचो अपने इंटरव्यू में यही कहा था करोड़ों रुपए की जो है उनके अरबों रुपए की जो है संपत्ति अभी उन्होंने अपनी एयरलाइन भी चालू करी थी हाल ही में लेकिन उनका निधन हो गया उनकी डेथ हो गई बहुत ही अर्ली सिक्सटीज में ही डेथ हो गई उनकी हार्ट अटैक से तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पास सब कुछ है इतना तो सारा पैसा है अब सब कुछ है लेकिन ये सारा पैसा मिलाकर भी मेरे को एक अच्छी हेल्थ नहीं दे सकता मेरी बॉडी को जो है सही नहीं कर सकता तो उन्होंने बचो पैसों को मतलब एक तरह से कुछ वैल्यू ही नहीं करी क्योंकि पैसा जो है कुछ काम का ही नहीं मेरे लिए कुछ यूज़ का नहीं है कि क्योंकि ये पैसा जो है ओके सबसे बड़ी बोले कमजोरी है कि उसमें बड़ा सबसे बड़ी वीकनेस है पैसे में ये ठीक है कि पैसा आपको जिंदगी नहीं दे सकता पैसा बचा वो बेहतर हेल्थ नहीं दे सकता किसी कोई रोग हो गया लाइलाज बीमारी हो गई है तो बचो पैसा है तो सुनो नहीं कि वो आप सही करवा लोगे उसको कोई आदमी मर रहा है या यू नो you know, किसी को जो भी है कितना भी पैसा है जैसे टाटा का भी वो चेयरमैन थे जो है साइरस मिस्त्री कितने पैसे वाले लेकिन दो सेकेंड में जो है एक्सीडेंट हो गया और जो है जान चली गई सारा का पैसा, पैसा सारा का पैसा जो है धरा का धरा रह गया तो बच्चो जान है तो जहान है और हेल्थ है तो सब कुछ है तो वो जो, जो भी स्किल डेवलपमेंट है यार वो सब बात की बात है पहले अच्छी बॉडी होनी चाहिए बिकॉज ऑफ uh, बचो हेल्दी माइंड ऑल्सो रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी ठीक है आप लोगों को भी मैं यहाँ पर ये सलाह दूंगा बच्चों यू की तैयारी के अंदर आप लोग तो शायद अभी बिगनर हो आप लोग शायद इतना नहीं करते हो जैसा कि मैंने देखा है मतलब जो सीरियस होते हैं बहुत ही ज़्यादा दिल्ली वगैरह में या जो घरों में भी जो रह के पढ़ते हैं तो बच्चों बहुत बारह बारह चौदह चौदह घंटे जो है पढ़ते हैं स्टार्टिंग में इस इस चेज में नॉलेज की वो अपनी बच्चों हेल्थ पे ध्यान देना जो है भूल जाते हैं ठीक है ऐसा करने से उनको लगता है कि वो पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं ओके वो ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं वो ज़्यादा लोगों से बेटर आगे निकल पा रहे हैं लेकिन बच्चों उनकी एफिशियसी जो होती है वो कम होती चली जाती है ठीक है तो चौदह घंटे पढ़ाई की वजह करने की बजाय मैं आपको ये बोलूंगा कि आप बारह घंटे ही पढ़ लो या बारह घंटे पढ़ाई करने की बजाय आपको ये बोलूंगा मैं दस घंटे पढ़ लो एक दो घंटा अपनी हेल्थ पे आप ज़रूर ध्यान दो क्योंकि बच्चों बॉडी तभी काम करेगी अच्छे से माइंड आपका सही है माइंड आपका तभी काम करेगा अच्छे से बॉडी सही है अब आप माइंड ही माइंड को जो है पीसे जा रहे हो दिन भर हेल्थ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बढ़ता है रैंक वन गौरव अग्रवाल उसने उन्होंने उन्होंने भी ये बात कही थी ठीक है मेरे समय की तैयारी जब मैं कर रहा था तब उन्होंने टॉप किया था जब मैंने स्टार्ट करी थी तैयारी तो उन्होंने भी ये बोला था कि जो है मैं अपनी यू नो रोज शाम को जो है मैं भागने या कुछ जिम कुछ जॉगिंग करने ज़रूर जाता था तो बच्चों उससे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है ज़्यादा एक्सरसाइज होती है बॉडी में ऑक्सीजन जाता है बेटर दिमाग वमाग सब बेटर तरह से काम करता है ठीक है ज़्यादा आप समझदार हो खुद ही उसका बहुत ज़रूरी है रोल है ना तो उसको भी एक पढ़ाई का पार्ट ही आप मानिए कि फिजिकल उस पर भी जो है ध्यान देना है ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद द एजुकेशन तो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मेरे से बात कर सकते हो वरना हम आगे चलते हैं ठीक है गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून अरे ग्रॉस सोन एरिया और नेट सोन एरिया ये होता है कि भाई मेरे पास जमीन जैसे मेरा ये प्लॉट है ये मेरा हमारा मकान है ये तीन गज का मकान है तो नेट सोन एरिया तो तीन सौ गज ही रहेगा अब इस तीन सौ गज के मकान में मैंने तीन बार खेती कर ली एक साल के अंदर तो जो मेरा ग्रॉस सोन एरिया है वो तीन गुना हो जाएगा ठीक है वो तीन गुना हो जाएगा ठीक है यानी कि ग्रॉस सोन एरिया कितना हो गया तीन सौ इंटू तीन नौ सो हो गया नौ सौ गज हो गया और नेट सोन ने एरिया तो मेरा तीन सौ गज ही है मेरा मकान जो है जमीन तो मेरा फिक्स्ड है वो तो तीन सौ ही है वो तो भगवान भी नहीं बदल सकता उसको तो तीन सौ गज है तीन सौ ही तो रहेगा ठीक है लेकिन बच्चों इस, इस तीन सौ गज को मैंने मान लो तीन बार खेती कर ली इसमें गेहूं उगा लिया मैंने इसमें जो है सब्जी उगा ली मैंने इसमें जो है बाजरा उगा लिया तो तीन बार यूज में ले लिया तो ग्रॉस सोन एरिया बढ़ गया तो नौ सो है मेरा ग्रॉस सोन एरिया और नेट सोन एरिया मेरा जो है तीन सौ है सिंपल कंसेप्ट है आगे बढ़ते हैं तो बच्चो एजुकेशन की यार इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत नहीं है आप सब लोग पढ़े लिखे हो आप सब लोग जो है एजुकेटेड हो आप सब लोगों को बताया कि एजुकेशन से बच्चों हमें कितना एम्पावर्ड फील करते हैं हम कितना एम्पावरमेंट होता है आपको घर में कुछ भी चीज नहीं पता आप गूगल करो कोई दवाई बच्चों आती है घर में डॉक्टर कुछ भी लिख देता है कुछ भी बता देता है आप कुछ आप क्या करते हो अपन अब तक क्या करते थे दवाई जो है अपन खा लेते थे सीधी आज बच्चों आप एक सेकंड ओपिनियन ले सकते हो कोई भी दवाई है पीछे उसका सॉल्ट आप देखिए गूगल पे डालिए वो बता देगा आपको ये दवाई ये इसकी है उसकी आप प, आपको पता लग जाएगा दवाई किस चीज़ की है क्या साइड और भी डॉक्टर ने जो जल्दबाजी में आपको कोई बातें नहीं बताई वो बातें आप उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या परहेज रख रहे हैं आराम से देख सकते हो गूगल के ऊपर तो ये फीचर है अवेलेबल तो बच्चों ये क्यों अवेलेबल है क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हम लोग इसको जानते हैं इस्तेमाल करना इसलिए अवेलेबल है क्योंकि बच्चों हम एजुकेटेड हैं अगर हमको लिखना पढ़ना नहीं आता टाइप करना नहीं आता इंग्लिश में तो हम कैसे जो है फिर आप देख पाते तो बच्चों एम्पावर करता है एजुकेशन लोगों को एमपावरमेंट होता है आप खुद ही यू नो जान सकते हो बुद्धा ने कहा था एक बार बहुत अच्छा कोट है बुद्धा का देर इज नो नीड टू बिलीव इफ यू कैन नो अगर आप जान सकते हो किसी चीज पे तो भरोसा करने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर फिर आप जानो उसको और संतुष्ट हो अपने हिसाब से और बच्चों ये जानने की आपको कैपेबिलिटी देता है एजुकेशन ठीक है सीधा सीधा बच्चों एजुकेशन का आपके जॉब पे आपके करियर पे आपकी पूरी आने वाली पीढ़ी पे यार पूरा इसका इफेक्ट रहता है एक अनएजुकेटेड पर्सन है वो अपने बच्चों को भी अनएजुकेटेड रखेगा उसको कोई दिक्कत नहीं है अपने बच्चों को अनएजुकेटेड रखने में अगर वो बच्चे उसके अनएजुकेटेड रह गए आने वाले बच्चे हैं वो भी अनएजुकेटेड रहेंगे क्योंकि उनको बच्चों वैल्यू ही नहीं पता एजुकेशन की वैल्यू ही नहीं पता लेकिन आपने अगर किसी भी जनरेशन की इसके परदादा के दादा के दादा थे इसके परदादा थे या इसके दादा थे, थे, थे यहां पर आपने कहीं पर भी किसी भी जनरेशन को बच्चों एजुकेट कर दिया उसको आपको एजुकेशन की वैल्यू जो है हमेशा पता लग जाएगी वो अपनी आगे की सारी जनरेशन जो है उसकी वो एजुकेटेड होगी क्योंकि सबको जो है एजुकेशन की वैल्यू पता चल जाती है तो बच्चों ये एजुकेशन का रोल है ठीक है तो वो जो इसी रोल को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट भारत सरकार ने लॉन्च किया था जिसे हम कहते हैं आर एक्ट राइट टू एजुकेशन ओके भारत सरकार ने ये जिम्मेदारी ली अंग्रेज तो इस जिम्मेदारी को कभी ले नहीं पाए अंग्रेजों की सरकार में हमें कभी ये मिला नहीं ये इसे कहते हैं बच्चों यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आरटी एक्ट के तहत बच्चों क्या कानून बना ये कानून बना आर एक्ट के तहत कि पहली से लेके आठवीं क्लास तक पहली से लेके आठवीं क्लास तक हर चीज फ्री है पढ़ाई स्कूल की फीस किताबें स्कूल का बैग पेंसिल पेन कॉपी वगैरह ड्रेस व्रेस सब कुछ फ्री है सरकार सब कुछ प्रोवाइड करेगी आर एक के एक्ट के तहत स्टेट्यूटरी कानूनी हमने जो प्रक्रिया से इस चीज को लाए ला, ला हम और इसको हमने एक स्कीम के तौर पर निकाला जिसे आप आज हम सब जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान वो जो दो का एक्ट है ये ठीक तो है तो तारीख याद रहे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सो आर एक्ट ऑफ Okay, फंडामेंटल राइट हो गया ये हमारा, में, 45 में भी लिखा हुआ है एजुकेशन के बारे में तो ये दो तीन बातें जो एजुकेशन के बारे में आप लिख सकते हो तो यहाँ पे बच्चों सरकार ने अपनी जो है जिम्मेदारी निभाई लेकिन और भी अच्छा होता कि हम इसको जो है दसवीं क्लास तक या जो है बारहवीं क्लास तक ही पूरा फ्री कर देते तो वो और भी बेटर कदम है उस पर भी सोच विचार चल रहा है अभी लेट्स सी दैट आल्सो हैपेंस लेकिन अभी बच्चों आज जो है सो छः से लेकर चौदह साल तक का बच्चा बिल्कुल कोई उसको अगर प्राइवेट स्कूल में वो नहीं जा पा रहा है तो सरकारी स्कूल में जा सकता है पढ़ सकता है और सारी की सारी जो है चीज़ें उसको वहां पर मिलती है अब बच्चों यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न उठता है कि आपने एक्सेसिबल तो बना दिया स्कूल तो जा रहे हैं बच्चे सारे नाइन्टी जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है क्योंकि मिड डे मील की मिलती है वहाँ पर खाना वाना मिलता है तो बच्चे भी जो अनपढ़ माँ बाप है बेचारे वो भी भेज देते हैं बच्चों को स्कूल के चलो इस बहाना जो है इस बहाने जो है खाना मिल जाएगा एक वक्त का हमारे पे बोझ नहीं आएगा खाना देने का सरकार पे बोझ आ जाएगा लेकिन उनको बच्चों ये नहीं पता कि ये खाने वो समझ रहे हैं कि खाने का बोझ कम हो रहा है क्या पता वही बच्चा कल जो है आई एस, कलेक्टर एस बनकर जो है या कोई बड़ा साइंटिस्ट बन जाए वो उनकी वैल्यू जो है वो दूरदर्शिता उनमें नहीं है क्योंकि उनको खुद को नहीं पता ना एजुकेशन की क्या वैल्यू है उनका दिमाग उनकी सोच इतनी सी है कि खाना मिल जाएगा फ्री में तो बच्चे को स्कूल भेज दो लेकिन उसका पोटेंशियल आपको और मुझे पता है कि बहुत आगे तक जाता है उसका रेमिफिकेशन ठीक है तो वो जो इसके तहत जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2010 में लॉन्च हुआ आरटीए एक्ट आया 2009 में फ्री कर दिया और हाल ही में इसमें एक और जो है आपको पता है अमेंडमेंट किया गया है कि प्राइवेट स्कूलों में भी पच्चीस रिजर्वेशन रखना पड़ेगा जो है कोटा लगाना पड़ेगा ओके जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए चाहे कितना भी बड़ा स्कूल हो चाहे उसकी फीस कितनी भी हो उसमें 25 परसेंट जो बच्चे होंगे वो फ्री में पढ़ेंगे ये भी बच्चों आर एक्ट में जो है ऐड किया गया सर्व शिक्षा अभियान इसे कहते हैं बच्चों फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये ओके इतने बच्चे से फ्री शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इस प्रोग्राम से जितने दुनिया में किसी भी और प्रोग्राम या किसी भी और नीति से जो है किसी भी और पॉलिसी से जो है इतने बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो टॉप पे है बच्चों सर्व शिक्षा अभियान यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ठीक है बच्चों एलिमेंट्री एजुकेशन क्यों क्योंकि पहली से आठवीं तक को जो है हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं नाइन्थ से लेके टेन तक बच्चों सेकेंडरी एजुकेशन आता है ठीक है पता है ना तो आपको और ग्यारहवीं से लेकर बारहवीं को हायर सेकेंडरी कहते हैं तो यहां पर सर्व शिक्षा अभियान आपकी मदद जो है फर्स्ट तो से लेके एट्थ क्लास तक का फ्री है सब कुछ उसके सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन वो फ्री नहीं है तो यूनिवर्सलाइजेशन हो गया मतलब यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब बच्चों ये होता है कि कोई भी व्यक्ति ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन जेंडर गांव शहर कोई भी व्यक्ति कोई भी बच्चा सो छ से चौदह साल का पहली से लेके आठवीं क्लास की पढ़ाई फ्री कर सकता है उसके लिए कोई अमीर हो चाहे वो कुछ गरीब हो कुछ नहीं पूछा जाएगा उसको स्कूल में एडमिशन जो है दे दिया जाएगा और वो पढ़ सकता है स्कूल में ठीक है बच्चों एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये ओके स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट है यहाँ पर ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑब्वियसली एम 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 एच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आती है ये ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है ये ठीक है तो बच्चों राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर टी एक्ट दो के तहत जो है आपने ये जो है प्रावधान चालू किया है तो बच्चों से कई गाँव में जो है नए स्कूल बनाए जा रहे हैं टॉयलेट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं उनमें पानी पीने की सुविधाएं बनाई जा रही हैं अकेडमिकली जो है टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है टीचर्स की भर्ती की जा रही है तो बहुत अच्छा खासा लंबा बिल जो है सरकार को देना पड़ता है इसका बट आई एम श्योर कि सरकार को बचो ये बिल जो सरकार अभी भर रही है मेरी तरफ से एक तरह से बिल नहीं है कि इन्वेस्टमेंट है जो सरकार कर रही है फ्यूचर जनरेशन में यही वो जनरेशन है बचो जो सर्व शिक्षा के बहाने जो है पढ़कर आगे जो है देश को आगे ले जाएगी ठीक है सो सर्व शिक्षा अभियान इंपॉर्टेंट है इसलिए आपकी एनसीआरटी में मेंशन है वैसे वो जो बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो आपको करनी होती हैं यूपीएससी की तैयारी के दौरान बट ये तो बहुत ही बेसिक और बहुत फ्लैगशिप स्कीम्स हैं तो ये तो एनसीईआरटी में मैंशनड है बाद में बच्चों एक बड़े भारत बड़े भारत इनिशिएटिव भी है ओके ओके आप बच्चों ये सलाह अपने किसी छोटे भाई या बहन जो भी स्कूल में है मेरे हिसाब से फोर्थ फिफ्थ क्लास में इतना ही दिमाग उसमें डेवलप होता है सेवन्थ क्लास में उसको भी बच्चों सलाह दे सकते हो कि मुझे भी सलाह ये किसी मेरे बड़े ने दी थी बट लेकिन बच्चों मैंने वो ये सलाह जो है उनकी मानी नहीं उस समय सीरियसली नहीं लिया उसको और उस सलाह को ना मानने का जो प्राइस है मैंने बहुत भारी जो है पे किया लेकिन मैं वही सलाह जैसे मुझे मिली और वही पढ़े भारत बड़े भारत में भी वही सलाह दी जा रही है वही सलाह मुझे किसी आदमी ने भी दी थी जो आज काफ़ी सक्सेसफुल है ठीक है लेकिन बचो मैंने वो सलाह मानी नहीं जिसका मुझे लगता है कि मैंने ओके मेरी पर्सनल लाइफ में जो है काफ़ी उसका जो है प्राइस पे किया अब वो क्या कहानी है उसमें तो जाने की जरूरत है लेकिन वो सलाह बच्चों मैं आपको भी दे रहा हूँ आप शायद उसके लिए लेट हो गए हो थोड़े भाई ग्रेजुएट हो आप लोग हो सकता है लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे स्कूल में भी हो अभी तो उनके लिए तो ये गोल्डन वर्ड्स है मेरी तरफ से तो बच्चों अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो मतलब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ मैं मतलब पांचवी छठी सातवीं क्लास के बच्चे आठवीं क्लास के बच्चे हो अगर बच्चों आप पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ना पसंद है आपको ज्योग्राफी नहीं है यार पसंद पॉलिटी नहीं है पसंद आपको नहीं लगता मन कोई दिक्कत नहीं है आपका कई होते हैं यार पढ़ाकू लोग वो पढ़ते हैं हर कोई नहीं कर सकता वो भगवान ने जिसको बनाया हो वैसा ही है ओके जैसे आपका मन नहीं लगता बिना टीवी देखे बिना उनका मन नहीं लगता बिना किताब में बीस चालीस पेज जब तक पढ़ नहीं ले जब तक उनको नींद नहीं आती ठीक है लेकिन बच्चों अगर आप उस कैटेगरी में हो कि पढ़ाकू वाली कैटेगरी में तो तो आपके लिए फिर बात ही और हो गई लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में हो कि आप जो है फिर पढ़ाई को जो है उतना ही करते हो जितना पास हो जाए और बस तो तो बच्चों अपनी हमेशा लैंग्वेज और लैंग्वेज की बात करो इंग्लिश ठीक है इंग्लिश ठीक है जिसमें दोनों ही आ गया रीडिंग और राइटिंग राइटिंग में बच्चों पर्टिकुलरली फोकस यूपीएससी एग्जाम अगर वो देना चाहता है व्यक्ति आगे और बच्चों मैथ्स इन चीजों को बच्चों कभी इग्नोर मत करना अपनी स्कूल लाइफ के अंदर अगर आपने ये चीज अपनी स्कूल लाइफ में बच्चों इस पर ध्यान नहीं दिया ये चीजें बाद में डेवलप नहीं होती है जब हमारा दिमाग छोटा होता है बच्चे होते हैं हम वो विकसित हो रहा होता है उसी समय बच्चों दिमाग में इसको गोद दिया जाए एम्बिड किया जाए एम्बेड कर दिया जाए इंग्लिश और मैथ्स के जो फॉर्मुलेज होते हैं जो लैंग्वेज स्ट्रक्चरिंग होती है जो ग्रामर होती है आप लाइफ में बच्चों कहीं भी जाओगे कहीं नहीं रुकावट आएगी आप हर एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपको मेहनत लगेगी बस लेकिन बच्चों यहां अगर कमजोरी रह गई नींव अगर कमजोर हो गई और बिल्डिंग आपने खरीदी खड़ी बड़ी उसमें बाद में तो वो बिल्डिंग ऊपर से कितने बड़े आप कोई नूर या चांद सितारे उसमें लाके लगा दो नींव जो है अगर वो कमजोर है तो बिल्डिंग कभी भी जो है पेम, खरे पैमाने पर पे जो है उतरेगी नहीं ठीक है तो ये मेरा आपको मैसेज है इस मैसेज को आप अपने बच्चे अपने छोटे भाई भाई हों या कोई भी फैमिली के रिलेटेड उनमें ज़रूर डालें कि भाई अगर पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैथ्स और इंग्लिश में यू you नो know, उसको सीरियसली लेना उसमें हमेशा अच्छे से पढ़ना एंड डू वेल इन दैट ओके तो ये बात है तो बच्चों पढ़े सरकार भी इस बात को जानती है सरकार में तो बहुत बुद्धिजीवी हैं बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं तो उन्होंने लक्ष्य बच्चों ये पढ़े भारत बड़े भारत का प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें खास तौर पे रीडिंग राइटिंग और मैथमेटिकल स्किल्स को जो है लोगों की इंप्रूव करी जाएगी ओके ये बात बच्चों जरूरी नहीं यूपीएससी आपको देना है तो तो आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी रीडिंग स्किल हमने देखा ना एथिक्स का पेपर कितना बढ़ाया पेपर नहीं था वो तो राइटिंग कंपटीशन था कौन कितने समय में ज्यादा लिख सकता है ओके राइटिंग का सीन होता है पूरा फिर मैथमेटिक्स बच्चों आपका पूरा सीसे में इंक्लूड है ये यूपीएससी के हिसाब से तो आप देखिए लिए तो है इंपॉर्टेंट लेकिन बच्चों आपको और कुछ भी करना है बिजनेस करना है आपको एचआर में जॉब चाहिए आपको मैनेजमेंट करना है तो ये चीजें बच्चों हमेशा आपके काम आएगी राइटिंग स्किल्स रीडिंग स्किल्स और मैथमेटिक्स ठीक है तो इसको बेहतर रखें हम शुरू से तो बेटर है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में ये तो दो अच्छे मैंने आपको प्रोग्राम्स बता दिए और वैसे और भी हैं बट एनसीईआरटी में यही लिखे हैं बच्चों राष्ट्रीय है, माध्यमिक शिक्षा अभियान भी है अब नाइन्थ और टेंथ क्लास की जो पढ़ाई है यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा फ्री नहीं है वो यहां पर फ्री नहीं है वो जैसे कि हमारी वो वाली फ्री थी आठवीं तक की फ्री थी लेकिन यहाँ पर बच्चों सरकार क्या करती है नाइन से टेन तक कोशिश करती है कि और ऑक्सिलरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव करे फीस तो देनी पड़ेगी बच्चे को स्कूल की बट क्वालिटी जो है नाइन से लेकर टेन तक अच्छी रहे फोकस साइंस मैथ्स इंग्लिश पे हो जाए थोड़ा ड्रॉप आउट्स कम हो क्योंकि बच्चे क्या है? छोड़ देते हैं स्कूल अधिकतर कि आठवीं क्लास तक फीस देनी नहीं देनी थी ओके okay, तो पढ़ लेते थे जो आठवीं क्लास के बाद जो है फीस देनी पड़ रही है तो जो है फिर स्कूल छोड़ देते तो बच्चों उनको जो है ड्रॉप आउट्स को रिड्यूस करना है ठीक है जेंडर जो डिस, डिस्पैरिटी उसको ख़त्म करना है सोशो इकोनॉमिक डिवाइड ख़त्म करना है टॉयलेट्स बनाने हैं ड्रिंकिंग वाटर वही जेंरिक बातें ओके हमारी बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनका ध्यान रखना है वो भी आए सारे के सारे फीमेल टीचर्स को रिक्रूट करना है ठीक है सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए गर्ल्स के लिए सेफ़ फील करें ठीक है तो ये भी वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ही अंडर में है। अब आप बोलोगे कि सर आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर आप सीरियसली क्लास में ध्यान दे रहे हो तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर क्यों नहीं कर देते हमारा क्या जा रहा है हम तो टॉप फाइव है वर्ल्ड की हम क्यों नहीं कर देते फ्री इसको अच्छी बात है तो इसमें बुराई क्या है ओके तो आपकी बात से बोझो मैं बिल्कुल सहमत हूँ और ये होना चाहिए ठीक है और ये कोई बड़ी बात भी नहीं करना लेकिन सरकार नहीं कर रही है इसको कि सरकार के लिए प्रायोरिटीज कुछ और है ठीक है लेकिन अब तक भारत में बच्चों दसवीं क्लास तक का एजुकेशन एटलीस्ट फ्री हो जाना चाहिए हमें जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट से अब आगे बढ़कर उसमें जो है अमेंडमेंट करके कर उसको जो है आठवीं से लेकर जो दसवीं तक जो है पूरा कर देना चाहिए एंड बाय ट्वेंटी थर्टी दो हजार तीस तक जो है सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि बारहवीं क्लास का यानी कि कंप्लीट स्कूलिंग जो है फ्री हो जाए किसी भी व्यक्ति के लिए भारत का कोई भी नागरिक है कोई भी बच्चा है ओके okay. ये हमारे डीपीएससी में लिखा है हमारा फंडामेंटल राइट भी हो गया है और आपका स्टेट्यूटरी राइट भी है तो हर तरह से जो है हमारा एस डी जी भी हम अचीव कर रहे हैं तो थिंग ठीक है अडल्ट टिंकरिंग लेबोरेटरीज बच्चों इस पे सवाल आया था दो हजार उन्नीस या 18 के प्रिलिम्स में ठीक है ओके अटल इनोवेशन मिशन बच्चों यूपीएससी ने सारी योजनाएं छोड़कर दुनिया भर की जो योजनाएं सरकार लाती है मुझे नहीं पता मैं जो बात कह रहा हूं वो सही है नहीं अब आप खुद जज कर लीजिएगा सारी योजनाएं एजुकेशन के लिए मैं आपको दस स्कीम तो ऐसे अभी उंगलियों पर गिना दूं वो तो सारी योजनाएं छोड़कर बच्चों यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा अटल इनोवेशन मिशन और अटल टिंकरिंग लैब्स जो है किसके अंडर में है ये क्वेश्चन था किसके अंडर में कौन देखरेख करता है इस स्कीम की इस परियोजना की तो नीति आयोग करती है तो उसमें ऑप्शन में जो है था साफ साफ आपने देखा ही होगा पेपर 2018 या 19 का पेपर था तो नीति आयोग करती है तो ये सवाल बचो देख लीजिए अब एनसीआर से आ रहे हैं या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था आप देख लीजिए बट ये सवाल आ चुका है और ये ये क्योंकि चीज आपके मेंशन है एनसीआरटी के अंदर ठीक है तो बच्चों अटल इनोवेशन मिशन के अंदर जो है नीति आयोग जो है इनोवेटिव तरीके से जो है काम करना चाह रहा है और उसका एक सब कंपोनेंट है अटल इनोवेशन मिशन का अटल टिंकरिंग लैब्स लेबॉरेटरीज जिसमें कि स्कूलों के अंदर जो नो लैब्स बनाई जाएंगी जहाँ पर कंप्यूटर वम्प्यूटर रखे जाएंगे जहाँ पर बच्चों को नई नई मॉडर्न चीज़ें जो है इनोवेटिव चीज़ें जो है करना सिखाया जाएगा सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर थोड़ा सा दिखाया जाएगा कैसे बनते हैं छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बच्चों वाले वो नहीं बड़े बड़े सॉफ्टवेयर वो सब दिखाया जाएगा बच्चे ताकि इनोवेट कर सकें बच्चों में वो क्यूरियोसिटी वो एक फीलिंग आए कि हाँ भाई कुछ नया भी हम बना सकें इसलिए बच्चों अटल टिंकरिंग लेबॉरिटरीज जो है आपके इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी में पूछा हुआ ही है तो फिर और इम्पोर्टेंट है और एन सी एन आर है इसलिए इम्पोर्टेंट है इसलिए बच्चों हम कहते हैं एन पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है ठीक है सो दैट इज द रीजन ओके तो बच्चों यहाँ पर एजुकेशन का बात खत्म हुई अपन जब हेल्थ की तरफ चलते हैं ओके okay? तो बच्चों जान है तो जहान है और अच्छी हेल्थ के बिना कुछ भी सब बेकार है चाहे आप कितने भी स्किल्ड हो चाहे आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो विद्वानी हो अगर आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है तो कुछ भी जो है संभव नहीं है ठीक है आप उसका कभी भी जो है बेस्ट यूज नहीं ले पाओगे ठीक है हैप्पी दशहरा आकाश ठीक है एग्जैक्टली तो बच्चे जो मेरे से सहमत हैं तो वो यार लॉजिकल बात पे कोई भी सहमत हो जाता है समझदार आदमी ठीक है हमें बच्चों ये एटीट्यूड रखना चाहिए लाइफ में यार स्टीरियोटाइप और ये दो वर्ड बच्चों आपको दे रहा हूं मैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में कंपलसरी पेपर में भी आ सकते हैं कोई जरूरी नहीं है स्टीरियोनेस और आपनी पढ़ाई में भी सीख जाओगे करते करते इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले भी स्टीरियोटाइपनेसिस जो होती है या प्रिजुडाइसिस ठीक है इससे बच्चों हमें पीछा छुड़ाना हमारे समाज में बहुत बड़ा रोग है ये ठीक है स्टीरियोटाइपनेस कि जैसा मैं सोच जैसा मैंने सोच रखा है वही सही है बस ओके okay. मैंने सोच रहा था नहीं, नहीं बारिश में घर नहीं जाना चाहिए बारिश में जो है रात को रात के समय का लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए ये गलत है इसमें कुछ भी हो सकता है बच्चों ये मेरी स्टीरोस है ये दिखाता है कि मैं कितना जड़ी हूं कितना मैं ठूंटू कितनी मतलब अकड़ा हुआ मैं अकड़ जो है बच्चों मुर्दे की पहचान होती है एक दूसरा वर्ड होता है बच्चों प्रिजुडाइसिस क्यों हम प्रिजुडाइजिस कई मान लेते हैं कि अरे यार ये जो है ये तो इस कास्ट को बिलोंग करता है तो ये तो

कि इस बच्चा ये जो है रूढ़ीवादी तो नहीं है ठीक है स्टीरियोटाइपनेस तो नहीं है इसमें ठीक है जैसे प्रिजाइसिस तो नहीं है कहीं प्रोजाइज होता है कि कोई बड़ा काम है तो किसी लेडीज़ को नहीं देना है वो नहीं कर पाएगी तो वो जो प्रोडाइस है आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो है डिसीजन मेकिंग कीजिए जिसमें जो भी काबिलियत है उसको उस हिसाब से जांचिए ना कि उसकी किसी और आपके दिमाग में कोई किसी ने बचपन में बीज बो दिया और उसके जो है पेड़ उग गया उसका और पेड़ की छाओं के नीचे बैठकर जो है आप कयास लगा रहे हो कि अच्छा यार ये तो ये ऐसा है तो ये तो वैसा होगा अच्छा है तो ऐसा तो है तो वैसा होगा उसको हटा उसको तो बच्चों ऐसे आप एक बहुत गलत एक जो है पाथ पे चल रहे हो मेरे हिसाब से तो बेटर यू नो मेक दिस हैबिट ओपन रहिए क्रिटिकल थिंकिंग रखिए और यू नो डिसीजन मेकिंग उस हिसाब से करिए ठीक है सो वो हेल्थ का बहुत बड़ा आपके लिए यू you नो know, हम एच डी जी भी बात करेंगे आप एच डी जी जी क्या है लास्ट राइड के अंदर तो हेल्थ और एजुकेशन बच्चों टॉप सेकेंड और थर्ड पे ही है एस में थर्ड और फोर्थ में है ठीक है पहले तो एप्सोलूट पावर्टी है फिर हंगर है ठीक है उसके बाद है हेल्थ और एजुकेशन है एस डी जी थ्री है ठीक है एसडीजी फोर जो है फोर वो है एजुकेशन अब बच्चों ये एस डी जी थ्री और फोर क्या है, ये मैं आपको भी बताता हूं डोंट वरी ठीक है सो घबराने की बात डीजी तो जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर फोर है ये एजुकेशन को बढ़ाना है पूरे वर्ल्ड लेवल पे गोल्स हैं ये बात करेंगे इस बारे में ठीक है तो बच्चों हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है हेल्थ केयर हमारी पॉलिसी भी है आप पढ़ लीजिएगा उसको नेशनल हेल्थ पॉलिसी दो जिसमें कई बातें करी है हमने कि यूनिवर्सल कर देंगे फ्री कर देंगे हेल्थ को भी जैसे एजुकेशन फ्री है ओके okay, जिसके तहत हमने कई सारे काम भी किए कई उसमें हैं कि मेंटल हेल्थ का भी ध्यान देना है डिसेबल्ड लोगों का ध्यान देना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिनको हम अधिकतर जो है ध्यान नहीं देते हैं उन पे जो है ध्यान देना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब बचो हार्ट अटैक कैंसर ओके ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं सबसे ज़्यादा लोग बचो दुनिया में मरते हैं हार्ट अटैक्स की वजह से दिल से रिलेटेड बीमारियों से उसके बाद कैंसर ओके okay, हमारा ध्यान कहापे है लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे मलेरिया कोरोना वायरस ठीक है आपके डेंगू टी टीवी ये कम्युनिकेबल डिजीज है तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 काफी बात करती है इन सब चीजों के बारे में तो इसको आप वहां से कुछ पॉइंट उठा के अपने आंसर में जरूर डालें ठीक है तो बच्चों हेल्थ को बेटर करना यार हर सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कह रहा है कि प्राइमरी सेक्टर हो सेकेंडरी सेक्टर हो ट्रसरी सेक्टर हो बच्चों प्राइमरी सेक्टर में कौन है किसान तो उसकी हेल्थ तो बहुत जरूरी है क्योंकि उसको तो फिजिकल लेबर करना है ज़्यादा ठीक है तो उसकी तो हेल्थ बहुत जरूरी है सेकेंडरी सेक्टर में भी बेसिकली लेबर लोग होते हैं लेबर क्लास होती है या एंटरप्रनोर्स होते हैं तो उनकी हेल्थ भी बहुत जरूरी है टर्शरी सेक्टर में बच्चों हेल्थ बहुत जरूरी है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो लोग सर्विस की क्वालिटी में फर्क आ सकता है मेरी तबीयत खराब है मैं पढ़ा दूंगा आपको यहाँ पर आकर कैसे तैसे करके उठ उठा कर ऐसे ही बिना नहाए दो और आ गया और ऐसे ही पढ़ा दूंगा आपको बट क्या पता कई इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको पता हूँ ही नहीं फॉर्मेलिटी करके अपनी चली जाऊं तो बचो हेल्थ फिट रहना सबके लिए जरूरी है चाहे आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो ठीक है इसी के चलते हुए बच्चों भारत ने एक बहुत बड़ी योजना जो है लॉन्च करी थी जिसे आप शायद आयुष्मान भारत योजना के नाम से जानते हो ठीक है तो बच्चों आयुष्मान भारत योजना जो लॉन्च करी थी भारत सरकार ने इसमें दो कंपोनेंट्स थे पहला कंपोनेंट तो तो, तो इसमें जो था पहला जो पार्ट वन था इस योजना का वो था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम ठीक है जिसके तहत बच्चों पांच लाख तक का इंश्योरेंस था हर परिवार के ऊपर पांच लाख तक का खर्चा आप जो है सरकार आपका उठाई किसी भी कोई बीमारी हो गई ओके एक साल में एक बार ओके साल भर में पांच लाख तक का पूरे परिवार खर्चा नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम इसका सेकेंड जो कंपोनेंट था वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था जो मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली में बड़ी फेमस है उसी तरह से भारत में कई लाख जो है हेल्थ और वेलनेस केयर सेंटर बनाए जाएंगे तो दो भाग है बच्चों आयुष्मान भारत योजना के ये सबसे फ्लैगशिप स्कीम है हेल्थ के सेक्टर के अंदर आयुष्मान भारत योजना ठीक है तो बच्चों इसमें जो है एक तो हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है ठीक है हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है एक और दूसरी जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है इसमें बच्चो डिस्पेंसरी छोटे मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर मान लीजिए उनको बनाया जाएगा या जो बने हुए हैं उनको बेटर किया जाएगा यहां पर पांच लाख तक का मदद सरकार देगी अगर किसी को भी कोई भी गंभीर बीमारी हो सकती है और सबसे अच्छी बात बच्चों यहाँ पर यह है कि इसमें आप इलाज जो है प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल दोनों में ही करवा सकते हो और सरकार आपका पूरा खर्चा उठाएगी दैट इज वाई इट इज सो मॉ बिगेस्ट फ्लैगशिप बिगेस्ट स्कीम इन द वर्ल्ड रिलेटेड टू द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है रिलेटेड टू हेल्थ वर्ल्ड लार्ज लिखा हुआ भी है वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम है ये दस करोड़ पूर पॉपुलेशन वन फैमिलीज को कवर करेगी ये ठीक है दस करोड़ फैमिलीज और पचास करोड़ लोग समझ रहे हो दस करोड़ परिवार तो एक परिवार में औसतन पांच लोग हैं तो हम मान लेते हैं पचास करोड़ लोग जो है इसका फायदा उठा पाएंगे पांच लाख तक ले पाएंगे पर महीना उसके अलावा बच्चों और कई सारी योजनाएं आप लिख सकते हो और मेरी स्कीम्स की क्लास होती है अपन लेंगे उन क्लासेस को भी एग्जाम से पहले तो वहां वो होता तो आपको और बता देंगे सो दिस इज द थिंग गाइस ठीक है तो दिस इज थिंग ओके अब बच्चों आपने हेल्थ जो है अच्छी कर दी ठीक है आपने एजुकेशन अच्छा कर दिया मतलब आपने ह्यूमन रिसोर्स की जो क्वालिटी है वो ऑगमेंट कर दी बढ़िया कर दी और ह्यूमन रिसोर्स आपके पास ऑलरेडी बहुत है खूब सारे करोड़ों लोग हैं हमारे देश में काम करने के लिए अब बच्चों लास्ट जो होता है रिबन काटने का मौका जो होता है वो होता है बच्चों जॉब्स क्रिएट करना और आपको पता है गई इसके भारत को, की जो ग्रोथ हुई है अधिकतर जो है 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उनके बारे में बात करेंगे आगे उसके बाद हुई है लेकिन बच्चों इस ग्रोथ में ये डायग्राम में कई बार मेंस के अपने एग्जाम में बना के आता था ठीक है उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि बच्चों जॉब्स जो बड़े हैं वो तो आप जो जी बढ़ा है देश का ठीक है तो आप लिख सकते हो दो परसेंट तीन परसेंट ठीक है चार छ सात आठ परसेंट तक आप ले जा सकते हो उसको ठीक है तो जीडीपी तो बचो आठ वाठ भी टच करके अभी ऐसे बढ़ा है और अगर मैं इसी पे ग्राफ पे प्लॉट करूं तो, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट हमारा कितना बढ़ा है तो बचो एम्प्लॉयमेंट रेट का हमारा जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ है मतलब दो से लेके तीन परसेंट ओके आपका जो है ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है यहां पर ठीक है ग्रोथ है ये इतना परसेंट तो मतलब जीडीपी तो हमने सात आठ परसेंट भी टच कर दिया है ओके लेकिन बच्चों एम्प्लॉयमेंट रोजगार जो है हमने साल भर के हिसाब से दो परसेंट तीन परसेंट जनरेट करें यानी रोजगार हम जनरेट नहीं कर पा रहे तो बच्चों कितना भी स्किल्ड में हूं कितना भी मैं काम कितना भी मुझे पढ़ाना आता है कितना भी अच्छा मेरे में नॉलेज है अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है पढ़ाने का मैं ना मैं अकेडमी में काम कर सकता हूँ ना कहीं और काम कर सकता हूँ काम ही नहीं है बेसिकली देश में तो वो भी उसमें क्या करेगा इंसान वो भी एक बड़ा इशू है एम्प्लॉयमेंट तो उसको अलग से एक चैप्टर इस पे पूरा अच्छे से पढ़ने वाले एनसीआर में लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूं यहाँ पर तो बचो यहां पर कोरोना के अगर आप पहले बात करना चाहोगे कि कोरोना का बहाना आप लगाना चाहते हो तो आप लगा लो बट ये डाटा जो है इंटरनेशनल उससे लिया गया है और बच्चों मई 2016 के अंदर भी लगभग 10 प्रतिशत भारत के अंदर बेरोजगारी थी जो कि गिरकर फिर आगे जो है साढ़े तीन परसेंट हो गई और फिर जो है 8.2, 8.5 थी अप्रॉक्सिमेटली 2020 में फिर ये बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जब लॉकडाउन लगे फिर ये कम हो रही है ओके लेकिन बच्चों बेरोजगारी भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है और ये आज से ही नहीं है बहुत पहले से है बट इस पर हमारे देश पर कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि और मुद्दे जो हैं हमारे देश में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है शायद लोगों के हिसाब से तो ठीक है फिर मत करो आप बात घर पे रहिए आराम से और देख लेगा जो देखेगा तो बच्चों डेटा साफ बता रहा है कि बेरोजगारी कोरोना का भाना मत लगाइए ओके okay, कोरोना में ठीक है चलो कोरोना से पहले भी बेरोजगारी बहुत थी देश में और आज भी बेरोजगारी देश में बहुत है इसका प्रेशर हमको देखने को मिलता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दस दस बीस बीस सीटें होती है छोटे छोटे एग्जामों में पटवारी का एग्जाम है कोई वो एग्जाम है सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है सौ सौ सीटें होती हैं और उम्मीदवार जो होते हैं आठ आठ पांच पांच लाख होते हैं और बच्चे अपनी जो है स्टूडेंट जो एक्सपेरेंट होते हैं अपनी जिंदगी के साथ बच्चों जुआ खेलते रहते हैं खेलते रहते हैं Okay, साल दो साल चार्च साल इक्कीस साल, साल से कभी तीस के हो जाते हैं पता ही नहीं चलता और कोई ना नौकरी हाथ में होती है ना कुछ स्टेबिलिटी हाथ में होती है तो बच्चों फिर क्या होगा देश में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है हम नीचे जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स आपका कुछ काम नहीं आ रहा अब 10 साल तैयारी करी नहीं किसी ने सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के बनने की कभी वो प्रॉब्लम्स में फेल हो गया कभी वो सेकेंड अटेम्प्ट में उसमें फेल हो गया कभी वो फिजिकल होता है उसमें फेल हो गया पर दस साल उसके गए अब बचो उसकी वो जो दस साल में जो उसने मेहनत तो करी है बेचारे ने पर हमेशा रह जाता एक दो नंबर से तो दस साल बाद आप सोचिए उसकी क्या हाल होगा फैमिली पूरी डिपेंडेंट है शादी भी नहीं हो पा रही है तो कई तरह की जो है बच्चों समस्या यहाँ पे उत्पन्न होती है और स्किल डेवलपमेंट भी हमारा जो है वेस्ट ही हो रहा है एक तरह से ठीक है अगर वो इक्कीस साल में कोई बिजनेस करता कोई दुकान खोल लेता तो ज़्यादा दस साल में तो बहुत वो डेवलप कर जाता और अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ हुनर होता उसमें तो, तो फिर बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर जाता लेकिन आपने बांध दिया उसको आपने मजबूर कर दिया उसको कि भाई सरकारी एग्जाम ही दे और नौकरी वही पकड़ और कोई चारा नहीं है तो ऐसा करना भी ठीक नहीं बचो, जो है दूसरी जगह भी जाओ ना यार वहां पे भी अपना स्टार्टअप क्रिएट करो खुद आप बीस लोगों को रोजगार दो खुद भी रोजगार पे लगो और खुद अपने नीचे बीस लोगों को रोजगार दो वो भी आइडिया अच्छा है देश तो बचो तभी आगे बढ़ेगा देखो आपके आई ए क्लियर करने से ओके या मेरे अच्छे पढ़ाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा देश तभी आगे बढ़ेगा जब आप जैसे मेरे जैसे लोग जो हैं जिनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं वो जो है अपने स्टार्टअप्स जो है चालू करें कुछ भी यू you नो know, स्टार्ट करें खुद रोजगार दें नरेगा के भरोसे मत छोड़ो नरेगा में कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि आपको पता है आप जो है खुद की भी लाइफ अच्छी करो और जो है आपके नीचे लोग काम करें उनकी भी लाइफ अच्छी करो तो ये बेस्ट पॉलिसी है क्योंकि बच्चों सरकार के हिसाब से देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है देश में जो कि नहीं होना चाहिए ठीक है सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट फ्रंट ठीक है सो इसके लिए बच्चों इस समस्या का संज्ञान लेते हुए क्योंकि अब है तो है ये इसको मानना तो पड़ेगा आप जितना झुटला लो लेकिन ज्यादा समय तक झुटला नहीं पाओगे तो बच्चों एम नरेगा स्कीम हम लॉन्च हुई थी दो के अंदर ठीक है नरेगा स्कीम लॉन्च की गई थी तो बच्चों नरेगा स्कीम में सरकार ने वादा किया अब क्योंकि दो नाइनटीन से चल रहा है मामला दुनिया ने भी टोकना चालू कर दिया भाई तुम्हारा जी तो बहुत बढ़ रहा है पर तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट तुम कुछ दे नहीं पा रहे क्या कर रहे हो ऐसे जीडीपी का अदानी अंबानी जो है अमीर होए जा रहे हैं बाकी लोगों के लिए कुछ भी नहीं है तो नरेगा जो है आपके लिए स्कीम आई 2005 में नरेगा स्कीम ने बच्चों ये गारंटी दी कि भैया कुछ भी काम हो ना हो 100 दिन का रोजगार सरकार देगी और मिनिमम वेज भी तय कर दिया 100 डेढ़ सौ हर स्टेट में अलग होता है वो उसमें नहीं जाना वो हर स्टेट का अलग होता है ठीक है लेकिन सौ दिन सरकार आपको रोजगार पर रखेगी चाहे भले ही गड्ढा खुदवाना हो आज इधर कल दोबारा उसको भरवा देंगे फिर परसों उधर खुदवा देंगे फिर उसको भरवा देंगे वो कुछ मैटर नहीं करता काम आपको सौ दिन दिया जाएगा पैसा सीधा आपके डायरेक्ट बेस्ड ट्रांसफर सीधा आपके अकाउंट में आ जाएगा तो बच्चों बहुत ही बड़ी योजना है इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है कि अनस्किल्ड जो है ये वर्क को जो है प्रमोट करती है एक दिन गड्ढा इधर खोद दिया उधर खोद दिया कभी कुछ कर ही नहीं रहे आए गए बैठ गए सारे के सारे तन खा लेके चले गए अपनी तो बोचो पैसा तो आम टैक्स पेयर का जा रहा है ठीक है टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है और कुछ एसेट जो है कुछ क्रिएट नहीं हो रही है काम कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है कुछ जनरेट कुछ हो नहीं रहा है तो एक तरह से बोचो बहुत बड़ा इसको जो है वो भी माना जाता है कि सरकार पे बहुत बड़ा बोझ है ये टैक्स पेयर पे बहुत बड़ा बोझ है ये आम आदमी भी बहुत बड़ा बोझ है जो टैक्स भरता है और फ्री में एक तरह से जो है लोग लोगों को पैसा बांट दिया जाता है लेकिन बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा सिक्के के दो पहलू होते हैं नरेगा स्कीम की वजह से 2005 से लेके 2015 तक बच्चों 27 270 मिलियन लोगों को जो है बीपीएल पॉपुलेशन से बाहर निकाल दिया है हम लोगों ने जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी बात है 270 मिलियन मतलब 27 करोड़ लोग 27 करोड़ लोग आर आउट ऑफ पॉवर्टी बिकॉज ऑफ द नरेगा स्कीम और बच्चों एस जो मैं आपको बता रहा था एसडीजी बच्चों यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया ने सेट किए गोल, गोल 17 गोल हैं ये ठीक है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो पूरी दुनिया को हासिल कर रहे हैं तीस दो तक ठीक है तो ये तो एस डी जी के कुछ यहां पे लिखे हुए हैं तक तो वो जो पहला एस डी जी जो है वो बात करता है पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए देश में बीपीएल पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी जीरो पॉवर्टी करनी है हंगर को खत्म करना है बिल्कुल ठीक है थर्ड जो है अच्छी हेल्थ की बात करता है एजुकेशन की बात करता है चौथा एसडीजी नंबर से आपको याद होने चाहिए क्योंकि आप इसको अपने मेन्स और एस वगैरह में आपको लिखना है तो बच्चों सबसे पहला एस डी जी मैं यू के हिसाब से भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पॉवर्टी को ख़त्म करना है जो गरीबी है भयंकर गरीबी है उसको खत्म करना है क्योंकि अगर आपने उसको ख़त्म कर दी आपने जड़ पे वार कर दिया उसके बिल्कुल अकेली सहील पे वार कर दिया तो पॉवर्टी आपने खत्म कर दी तो बच्चों हंगर भी खत्म हो जाएगा साथ साथ हेल्थ पे भी ध्यान दे लेगा वो पैसा है उसके पास तो एजुकेशन भी ठीक ठाक कर ही लेगा वो तो इसका सीधा बच्चों वार किया है हमने पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए नरेगा स्कीम ठीक है तो ये जो है नरेगा स्कीम का बहुत बड़ा योगदान है एसडीजी का और बच्चों वर्ल्ड एसडीजी के टारगेट अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये इंडिया पे डिसाइड इंडिया पे डिपेंड करता है इंडिया और चाइना जैसे देशों पे तो बच्चों अगर हम फेल हो गए यहां पर हम यहां पे इंडियन विराट कोहली और इंडियन टीम और पाकिस्तान की टीम और वो वाली नहीं है एज अ वर्ल्ड हमको ये अचीव करना है तो बच्चों सबसे ज्यादा गरीब लोग अगर देखा जाए तो चाइना इंडिया क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन का पार्ट है वो वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे देश में ही है गरीब जो तबका है तो बच्चों उसको हमें जो है ऊपर लाना है तो अगर बच्चों हम फेल हो गए एस को अचीव हम नहीं कर पाए हमने लोगों को पॉवर्टी से बाहर नहीं निकाला अच्छी हेल्थ नहीं दी अच्छा एजुकेशन नहीं दिया जेंडर इक्वालिटी हमने नहीं मेंटेन करी तो बच्चों पूरा वर्ल्ड फेल हो जाएगा मतलब पूरी वर्ल्ड का जो 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 जिम्मे जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आ गई क्योंकि हमारे देश में ही सबसे ज़्यादा जो है इस तरह से जो लोग हैं वो परेशान हैं और ये बेसिक नेसेसिटी उनके पास नहीं है तो अगर इंडिया चाइना जैसे दो देश बचो एस डी पे फेल हो गए तो पूरा देश पूरे दुनिया के लिए फेलियर माना जाएगा ये भी एक अच्छा सवाल बन के आ सकता है मेन्स के अंदर कि हाउ डू यू नो एस को रिलेट कर देंगे फेलियर को इंडिया से आधे बच्चे तो फिर समझ ही नहीं पाएंगे उसको तो यहाँ पर आई होप यू गॉट माई पॉइंट ठीक है वो तो जो एच को बेटर करना जरूरी है यार ठीक है क्योंकि हमें जो है 2030 तक का और टारगेट है ऐसा नहीं कि ये अनलिमिटेड है यहां पर प्रोग्राम तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कहते हैं इसका फुल फॉर्म जो है ओके और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो जो ग्रामीण मंत्रालय है भारत सरकार का उसके अंदर आती है बच्चों नरेगा स्कीम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ओके एक्ट से बर्क आयदा हमने इसको पास किया है समझ गए आप कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछिए यहां पर एनी प्रॉब्लम टिल हेयर प्लीज आस्क हाँ यार वो तो रहता ही है योजना का जिसको नहीं मिलता वो तो खर होगा ही पांचों उंगलियां तो बराबर होती ही नहीं है ठीक है ठीक है हाँ वो मीडिया वीडिया की बात अब इधर ना करें तो ही बेहतर है ग्रोथ रेट इज लो बिकॉज दिस स्कीम साउंड इंप्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड हाँ बिल्कुल सही बात है लेकिन बच्चों क्या करें यार ये तो मतलब बेरोजगारी भत्ता की अभी वो आगे आने वाला है तो बेरोजगारी भत्ता भी बच्चों यही बात है इससे अच्छा कुछ तो करवा लें अब उनसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा वरना जो कि कुछ कई जगह स्कीमें चल भी रही गई स्टेट्स में उसमें कुछ कंडीशन है कि बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई कर सकते हो आप अगर आप जो है फिट हो पढ़े लिखे हो लेकिन आप जॉब ढूंढ रहे हो आपको जॉब मिल नहीं रहा है तो बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई कर सकते हो ठीक है तो बेरोजगारी भत्ता बचो क्या होता है घर बैठे बैठे आपके पैसे आ जाएंगे अच्छा तो नरेगा ही है कुछ तो काम कर लेंगे रोड बन रही है तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर लेंगे पेड़ वेड़ साफ कर देंगे कुछ जो है यू नो और चीजें छोटे मोटे काम कर देंगे ओके बेरोजगारी भत्ता से जो यूनिवर्सल पेमेंट स्कीम जैसे कहते हैं यूनिवर्सल पेमेंट जो है उसकी इससे तो बेटर है कुछ तो मतलब कर ही रहे हैं ना काम तो कुछ तो कर रहे हैं ठीक है रोड वोड में वैसे अब ठीक है, है थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है लोग सरकार जो है सही काम में ले रही है इन लोगों को जो नरेगा में काम करने आते हैं तो ठीक है ओके सो दिस इज इन गाइज टूडे फॉर टुडे दिस इज इनफ एंड हमने चैप्टर जो है आज अपना सेकेंड भी खत्म कर लिया है तो जल्दी हम आई होप इस वीक तक हम ये भी खत्म कर देंगे इस वीकेंड तक और बस यही रह जाएगा फिर बचो एक चैप्टर भले ही सिंपल लग रहे हो पावर्टी ऑडिबल वगैरह सर क्या है ये हमें तो पता है ऐसा नहीं चलता ठीक है आपने आपको पहले जो है लग रहा होगा हेल्थ एजुकेशन में क्या है बट आपको कितनी सारी नॉलेज जो है यहाँ पर मिली ठीक है तो बच्चों आई होप आपको ये पहले नहीं पता होगी या पता होगी तो आधी अधूरी होगी बट आई होप यू गेन समथिंग आउट ऑफ दिस क्लास ठीक है इस क्लास को बच्चों एंड करते हैं और एक तो बच्चों अपनी हैट्स को जरूर डेडिकेट कीजिएगा जो कि आपके ऊपर आप कर सकते हो आप पे जाकर आप आई होप आपके पास अकेडमी की आप होगी अगर आप तैयारी कर रहे हो और बच्चों सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अभी फेस्टिवल सीजन है खैर आज तो खेरा तो दशहरा वशहरा आप मनाइए और अच्छे से मनाइए जब बचो जब पार्टी करो तो अच्छे से करा करो जब पढ़ाई करो तो अच्छे से करा करो द्वारा और डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हो यहाँ पर ठीक है विद माई कोड सेड यूपीएससी कोड लगाकर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और सारे एजुकेटर्स के साथ मिलकर आप जो है अपनी तैयारी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर सकते हो अन अकेडमी के आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ छह तारीख से बैचेस चालू हो रहे हैं जीएस के ऑप्शनल के बैचेस चालू हो रहे हैं अगर बचो जीएस और ऑप्शनल आप दोनों पढ़ना चाहते हो तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप सिड यू कोड यूज़ करोगे तो आपको मेरी गाइडेंस जो है फुल मिलेगी लाइफ टाइम टेलीफोनिकली मिनिटरिंग गाइडेंस जिंदगी भर आपको जो है अ, मेरी तरफ से जो है आपको यू नो जब तक आपका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी ज़िंदगी भर का मतलब ये है यहाँ पर ठीक है तो ये बात है तो वो उसके लिए सिड यू पी कोड यूज़ कर 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 आप कभी भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अभी जल्दी ऑफर आने वाला होगा अच्छा कोई ऑफर आए तभी भी आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा कोई दिक्कत है तो मुझसे बात कर लीजिएगा सी डी कोड बचो और भी फायदे हैं आप मेरी टीम की पूरी निगरानी में रहोगे अलग टीम है मेरी पूरी आपको ध्यान रखेगी पूरा पढ़ाई से रिलेटेड मतलब आपको ग्रुप में रखा जाएगा आपको लाइफ टाइम एंटरिंग गाइडेंस मिलेगी ये स्पेशल है इस कोर्ट के साथ जो आता है ठीक है आपको डिस्काउंट मिलेगा वो खैर हर कोड से मिलता है आपको बचो वैल्यूडिशन मिलेगा एक्स्ट्रा अकेडमी तो आपको बहुत सारी किताबें वगैरह वो सब देता ही है मटीरियल वगैरह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा तो वो भी आपको से यूपीएससी से ही मिलता है बच्चों बेस्ट कोड है सोचना ही मत इस बारे में ओके इतने बेनिफिट्स आपको किसी को और कोड से नहीं मिलेंगे और यूज कीजिएगा इसको जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें और लोन पे भी आप ले सकते हो कोई ब्याज नहीं देना है आपको पता ही है सारी की सारी कहानी इस नंबर पर कॉल कीजिए और बोल दीजिए उनको आप करा देंगे जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन दो साल या डेढ़ साल का आप ले सकते हो और मेरा कोड आप लगा सकते हो ठीक है और दिस इज ऑल फॉर टूडे आज मिलते हैं एक बजे फिर यहाँ पे लेट्स क्रैक पे इंडो चाइना पढ़ेंगे आज तो चाइना में बड़ा इंटरेस्ट रहता है बच्चों का तो सिड यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे तो बोझो जुड़ी जाइएगा ओके okay, उसके लिए तो कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है आई एम वेरी वेरी ऑप्शनल का प्राइस आप देख लीजिएगा वहाँ पे ऑप्शनल बच्चों ऑप्शनल का ना लेकर एक साल का कॉम्बो ले लो यार वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि डिफरेंस नहीं है इतना प्राइस में ठीक है पच्चीस तीस है कैश ऑप्शनल का और दस बीस हजार और जोड़कर उसमें पूरा जीएस का ही आ जाएगा तो पूरा कॉम्बो में कैश डिस्काउंट भी ज्यादा मिलेगा प्राइस भी कम हो जाएगी तो ऑप्शनल का लेना सिर्फ मेरे हिसाब से मतलब नहीं है इससे अच्छा तो थो है थोड़ा और पुश कर कर एक साल का कॉम्बो ले लो ठीक है और वो भी मैं नहीं सलाह देता बिल्कुल कि सिर्फ जीएस का ले लो क्योंकि बच्चों ऑप्शनल में ज़्यादा आपको जो है पढ़ाई करनी पड़ती है मतलब मतलब ऑप्शनल में तो आपको कोचिंग लेना जरूरी है ही टॉपर्स भी यही कहते हैं कि ऑप्शनल में तो आप ले लीजिए कोचिंग गाइडेंस ले लीजिए क्योंकि उसमें काफ़ी स्पेशलाइज्ड होकर आपको जो है आंसर्स लिखने होते हैं ठीक है सो दैट इज़ माई पॉइंट बाकी आप देख लीजिएगा ठीक है सो इसी बात पे बच्चों मिलते हैं दोबारा और ध्यान रखिए अपना और हैप्पी दशहरा ओके सावधानी से मनाइएगा त्यौहार और जुड़े रहिएगा पढ़ाई जो है करते रहिएगा सी यू सून